जी हेलो स्टूडेंट्स, आप पार्ट नंबर 7 ते पहुंच गए हैं बेस्ट क्वेश्चंस ते। तो पिछले क्वेश्चंस आप कर ले उदे विच कुछ डोमेन कुछ रेंज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत एलिगेंट क्वेश्चंस कीते सीगे। हुण आप थोड़े जे अगे तो सारे डोमेन रेंज दे नहीं है विच कॉम्प्लैक्स नंबर भी आ जाएगा बट थोड़ी थोड़ी सिचुएशन सेम है। तो आपां नूं क्वेश्चन पूछ रहा है कहिंदा एफ एक्स है तो कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो तुहानूं पूछ रहा कहिंदा इन्हां विचों कि ऑप्शन ट्रू होएगी। एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन दिस है कि ऑप्शन तुहाडी जिहड़ी हैगी है ट्रू होएगी। हुण जे तुसीं देखो ध्यान नाल तुहाडे कोल माइनस पाई है ना, माइनस पाई का मतलब की हुंदा तुहाडे कोल, आपां रेंज का मतलब की हुंदा, रेंज का मतलब हुंदा है कि वैल्यू भर के आंसर की आना है। यदा मतलब थोड़ा एक्स जिहड़ा है वह माइनस पाई, पाई 3.14 हुंदी है डिवाइडेड बाय 4 हुंदा, ठीक है। तो यह 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मान लो तुसी सिंपल जी कर लो 3/4.75 हुंदा, ठीक है जी। तो जे आप रफली 0.75 ला के चलीए तो माइनस 0.75 तो 0.75 है, यदा मतलब एक्स की वैल्यू 0 तो लाजमी आऊगी ना, एक्स की वैल्यू 0 तो लाजमी आऊगी, पक्की गल है ना। थोड़े को इतने एक्स 0 पॉसीबल है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ने जिहड़े देखते ही हो जाते हैं। तो 0 श्योरली पॉसीबल है, माइनस 0.75 और 0.75 के 0 तो आना ही आना है, तो रेंज होंगे वैल्यू पर आंसर। यह मतलब जो तुम फिर 0 भरो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की होगा 0, तो कॉस 0 की होगा 1, किसी ऑप्शन 1 नहीं है, किसी ऑप्शन 1 नहीं है, यदा मतलब थोड़ी जी है ऑप्शन नंबर 1 ही ट्रू होएगी, ठीक है। तो मतलब इस तरह आपां बहुत ज़्यादा बड़े वधिया ढंग नाल गैस लग जाता हुंदा तुहाडे कोल, तुसी एक वैल्यू इंटरवल दे विचों चूज़ कर लो तो वह वैल्यू जब तुसी चूज़ करोगे तुहाडा क्वेश्चन एडजस्ट हो जाना हैगा, ठीक है जी। तो जे तुसी बंदा कवे तुहाडे पास नहीं जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है मैं होर वैल्यूज़ भी जिहड़ियां हैगियां तुहाडे कोल लैके जा सकदा वां तुहाडे कोल, ठीक है। तो कॉस 1 भी तुसी एडजस्ट कर सकते हो, हिंट तो तुहानूं मिल गया कि 0 हैगी है। सपोज़ मैं लै लिया तुहाडे कोल 0 तो लै ही सकदा, एक्स की वैल्यू अगर मैं, मेरा आंसर आ गया, मैं फर्दर क्लैरिफिकेशन होर चीज़ों की दे रहा बी अगर 1 तो मैं पाई बाई 4 लैंदा वा, ठीक है जी। सो 1 0 तुहाडे पास जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां लिया एक्स की वैल्यू 0 इनकलूडड है, 0 तो इनकलूडड है, तो लैस दैन आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पाई बाई 4 लिया, पाई बाई 4 श्योरली 1 तो लैस हैगा ही हैगा है, पाई बाई जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 1 तो लैस हैगा ही हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। जे 1 तो लैस है तो यह की सिचुएशन तुसी की, क्योंकि जिहड़ा है ये 0.75 है, ठीक है। 1 तो यह लैस है, 0 तो थोड़ी आ वैल्यू हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। और तुसी क्वेश्चन देखो तुहाडे कोल भी अगे वह कह की रहा हैगा है तुहाडे कोल, ऑप्शन तो आप चूज़ करी बैठे हैं तुहाडे कोल, ठीक है। तो हुण आपां जे देखिए तुहाडे कोल इस विच ने 0 ने अपना काम सारता, क्योंकि जदों 0 इनकलूड की तो कॉस 0 अपना आ गया, ठीक है। अपन एक नंबर आंसर आ चुका है, इस पार्ट नूं बनाने की कोशिश की जा रही है कि तुहानूं अगर हिंट ना मिले तो तुसी किस तरह करोगे। आंसर आ चुका है, आंसर की चिंता नहीं है, आंसर ठीक है 0 आ गया, ठीक है, माइनस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, हो गया जी। हुण इंटरवल कितना चूज़ हो रहा है, इंटरवल जिहड़ा चूज़ हो रहा है वो हैगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 यानी कि 0.75 तो 0, ठीक है। 0 तो दोनों केसिस इनकलूडेड है ना, तो इसनों 0 नू छोड़ दो, इत्थे लै लो, क्या फ़र्क पिया, इस इंटरवल नू मैं तोड़िया कोई फर्क तो पिया नहीं गा। सो इस इंटरवल नू तोड़ के इदा लिखे। हुण जिहड़ा आ इंटरवल है, आ इंटरवल दे विच तुसी कित्थे हो माड़ा जिहा देख लिए आपां तुहाडे कोल, ठीक है। तुसी सिचुए इत्थे हो तुहाडे कोल आ सिचुएशन च से उरे 0.75 नैगेटिव, हाँ जी ठीक है जी। तुसी इत्थे हो तो तुसी मैं कहा जी जिथे मर्जी होवो तुहाडे पास तुसी जदों उहदी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ते लो, इत्थे 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 किते भी लै लो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, पहुँचनी कित्थे है माइनस 1 ते, क्योंकि इंटीजर ने तो आंसर इंटीजर देना, तुम 0.75 भरो नैगेटिव, 0.74 भरो, 0.25 भरो नैगेटिव, तो आंसर तो आना है माइनस 1। यदा मतलब जब तुम इस इंटरवल दे विच कॉस ऑफ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो एक्स की वैल्यू इस इंटरवल च माइनस 1 ही आनी है, ये कॉस ऑफ माइनस 1 ग्रेटेस्ट, एक्स की वैल्यू माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कॉस विचों माइनस 1 चला जाता है क्योंकि माइनस एडजस्ट हो जाता तो 1 आ जाएगा। सो इसने थोनू 0 दे देना, उसने थोनू 1, तुहाडा एक हिंट मिल गया तो तुहाडा क्वेश्चन हो गया। सो बड़े ध्यान नाल समझण वाला, बस पहले हिंट तो क्वेश्चन टिक हो जाता है,
ठीक है जी सर, जिस भी एग्ज़ाम च आया, जिस भी बच्चे ने अटैम्प्ट किया होगा, उसने आगे जाने की जरूरत नहीं समझी हो, ना जरूरत है, बट फॉर मैथ्स सेक मैं थोनू करा देता। अगे जड़ा सिंबल है वो परमुटेशन का है, एन पी आर, सब ने सुनिया होएगा, तो यह आंसर की होंगे एन फिक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फिक्टोरियल, है ना, कंबीनेशन एक आर एक्सट्रा होंगे है। सो एन पी आर, एन फिक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर, ठीक है। सो आ गया जी सारा कैमरे के। हाँ जी, हूँ इस फंक्शन की आप रेंज कढ़नी, इसकी मैं डोमेन भी कढ़दा, इसकी मैं रेंज भी कढ़दा, और ये बेस्ट क्वेश्चन है तुहाडे पास। इदा के क्वेश्चन तो आप फोकस नहीं करते होंगे भी इदा की भी रेंज तो डोमेन कढ़नी पेपर के आ सकती हैगी है तुहाडे को, ठीक है जी। सो जरा ध्यान नाल देखिए, अगर आपे को पहली चीज़ जरा मेरे को एन पी आर हुंदा है, ठीक है, तो एक गरंटी जरूरी है कि एन आर नालों वड्डा होवे या बराबर होवे। कदे तुसी तीन पी पांच थोड़ी देखा होगा, तीन चीज़ों चो पांच थोड़ी अरेंज होंदी होंदी, पांचों तीन अरेंज होंदी, तीन पी तीन जरूर देखा होएगा। दूजी चीज़ जिहड़ी तुसी उपरली चीज़ लओगे, उपर जीरो भी कदे नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो श्योरली श्योरली पक्की गल है तुहाडे कोल भी जीरो नहीं हो सकता तुहाडे कोल, ठीक है जी। उपर तुसी जीरो नहीं देखा होएगा, नीचे तुसी जीरो 100 बार देखा होगा, उपरले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो निचला जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, निचला आर है जिहड़ा वह ग्रेटर दैन जीरो होगा। सो ये तीन सिचुएशनस मेरिया परमोटेशन नू डिफाइन कर दिया ने, ते जे मैनू परमोटेशन की डेफिनेशन पता हैगी है तो यह तीन सिचुएशन मैनू श्योरली श्योरली पता होणगियां। उपरला जिहड़ा एन हुंदा है वह कदे तुसी जीरो नहीं देखा होएगा, जीरो तो वड्डा, यानी कि पहली कंडीशन 7x ग्रेटर दैन जीरो, यदा मतलब है माइनस एक्स ग्रेटर दैन माइनस 7, 7 उधर जाके माइनस हो गया तो एक्स लैस दैन 7, माइनस माइनस एवें नहीं कट्टना, नैगेटिव ना गुणा करके कट्टना, ये एक सिचुएशन आ गई, ठीक है। ये सारिया एंड विच ने, ए नहीं भी एक अद्धी ट्रू हो जाए। दूजी ऑप्शन, पहली ऑप्शन आप एन वाली चकी है, दूजी ऑप्शन एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब आ जीरो भी हो सकता है, जीरो तो वड्डा भी हो सकता है, पर उपरला नहीं, और होणगे भी इंटीजर, ये भी ख्याल रखना है, फ्रैक्शन नहीं होंदिया होंदिया तुहाडे को, ठीक है जी। सो इहदा मतलब है एक्स की वैल्यू 3 नालों वड्डी, सो ये दूजी कंडीशन होगी तुहाडे कोल। तो तीसरी कंडीशन एक होर हैगी है तुहाडे कोल, वह की कहती है भी जिहड़ा एन हुंदा यानी कि 7 माइनस एक्स वह वड्डा या बराबर होवे आर दे, यानी कि एक्स माइनस 3 दे, ठीक है जी। इस सिचुएशन दे विच की हो जाएगा तुहाडे कोल, माइनस 2x हो जाएगा, इधर आ गए 2x हो गया, ग्रेटर दैन हो गया माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा। सो माइनस 2x ग्रेटर दैन माइनस 10, गलती एवें नहीं कट के करनी, माइनस ना गुणा करी दी है, सो 10 एक्स की वैल्यू 5 तो वड्डी। हुण तुसी ये तिना कंडीशना नू सैटिस्फाई करते हुए इंटीजर लेने हैं, तुसी की कीता, तुसी एक नंबर लाइन ड्रा कर ली जी। नंबर लाइन ड्रा करन तो बाद तुसी की कीता, तुसी कह दिता, नंबर लाइन रियली हुंदी है बट आपां सिर्फ इंटीजर चूज़ करने हैं, परमोटेशन की डेफिनेशन पता सानू, पर ड्रा होगी वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है। इत्थे आपां जीरो लै लईए, तुहाडे कोल इत्थे 1, इत्थे 2, इत्थे 3, इत्थे 4, इत्थे 5, नैगेटिव तो हुंदे ही नहीं गे, ठीक है। तो एक चीज़, पहली चीज़ कहती है 3 नालों वड्डा, 7 नालों छोटा, उरे 6 उरे 7, 3 नालों वड्डा होवे, 5 नालों छोटा होवे, 7 नालों छोटा होवे, इहदा मतलब एक्स की वैल्यू 3 तो चल सकती है, क्योंकि इत्थे भी ट्रू है, इत्थे भी ट्रू है, इत्थे भी ट्रू है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 भी चल सकती है, 4 3 नालों वड्डा, ये तो छोटा, ये छोटा, एक्स की वैल्यू 5 भी चल सकती है, 5 उरे भी आ जाओ, ट्रू उरे भी आ जाओ, 6 नहीं चल सकती, जे 6 होगी तो इन्हें उड जाना। सो यदा मतलब एक्स दियाँ 3 वैल्यूज़ हो सकती ने तुहाडे पास, 3 4 ते 5, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हो सकती ने, तो यदा मतलब डोमेन आ गई 3 4 5, फिर रेंज की होएगी, 3 4 5 नू क्वेश्चन च भरना पएगा, तो यदा मतलब 3 4 5 नू अगर तुसी क्वेश्चन च भरते हो तो 3 ही वैल्यूज़ आणगी, आ तो हो नहीं सकती, आ तो हो नहीं सकती, आ तो हो नहीं सकती, आ ही होएगी, मैं भर के दिखा दिना वा, पर कंपीटिशन च आया होया क्वेश्चन है, पर कंपीटिशन च असी वेट नहीं कर सकते, नन ऑफ दिस दी ऑप्शन है नहीं, 3 वैल्यूज़ भरे तो 3 ही आंसर आने, 5 तो आ नहीं सकते, यदा मतलब असी ये ऑप्शन नू टिक कर देना, बट स्टिल मैं तुहानू वेरीफाई करके दिखा दिना भी तुसी को सर ने एवें ही करता जी तुहाडे को, ठीक है। ये सारे कंपीटिशन जो है, ईवन जे पुराने जमाने का सिविल सर्विसिज का जोड़ा है तो पास पेपर, मैं उस चो भी क्वेश्चन उठा लेना हूँ, ठीक है जी, जैसे मैथ हैज़ ऑप्शनल के सिमिलर क्वेश्चन। हूँ अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 लैंना वा तो देखो उत्थे 3 फिल कर दो, तो 7 विचों 3 घटाए 4, जिथे मैं हाथ रखे उत्थे फिल करना, 3 विचों 3 घटाया 0, तो यह मतलब है 4 फिक्टोरियल
नीचे 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है जी, सो जिहड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 1 आ गया। तुसी उत्थे 4 फिल करके देखो, उत्थे आ जाएगा 3P1 का मतलब है 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, आंसर की आ गया 3। सो 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ ही जाएगा तुहाडे को। सो तुहाडा ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तुहाडे कोल। ठीक है जी, ये गाइडा चो नहीं कट्ठे, कलैक्टिवली ऐसे क्वेश्चन मिलने तुहानू। ठीक है जी, सो इस करके थोड़ा जिहा ख्याल रखना, तो जिहड़े उन्हां नाल रिलेटड शॉर्टकट्स ने मैं नाल नाल तुहानू डिस्कस करता जा रहा मैं तुहाडे पास। आगे देखो की है, कहिंदा ये फंक्शन ऑन टू है तो दसो एस लाई किहड़े विच इनगा। हुण उहने किहा फंक्शन देखो, जदों मैं एफ आर टू आर लिखे एस लिखिया ना, तो सब तो पहला एक चीज़ देखना, हमेशा फंक्शन डोमेन टू को डोमेन हुंदा जी, कदे भी फंक्शन डोमेन टू रेंज नहीं हुंदा। सब तो वड्डी गलती है और टीचर्स भी करी जांदे, फंक्शन डोमेन तो रेंज तां ही होगा जे फंक्शन ऑन टू होवे, और हर फंक्शन की गरंटी नहीं ली जा सकती कि ऑन टू हैगा। तो फंक्शन हमेशा को डोमेन टू जिहड़ा हुंदा है वह रेंज हुंदा है। हुण तुहानू डोमेन टू को डोमेन हुंदा है तुहाडे कोल। हुण अगर तुसी ऑन टू फंक्शन लेना है, ऑन टू फंक्शन विच तुहाडी कोडोमेन ते रेंज बराबर चाहीदियां ने, कोडोमेन ते रेंज बराबर चाहीदियां। तुहानू की किया है, तुहानू किया फंक्शन ऑन टू है ते एस दी वैल्यू दसो, एस तुहाडा की है, एस तुहाडा कोडोमेन है, और कोडोमेन कादे बराबर चाहीदी है, रेंज ते। तो इस क्वेश्चन की असी रेंज निकालनी है, और मैं तुहानू एक शॉर्टकट दसदा, अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होवे ना, तो ऑलवेज ए स्केयर बी स्केयर विद इन रूट, तो ऑलवेज ए स्केयर बी स्केयर दे विच लाई करता हुंदा। ये शॉर्टकट है रेंज कढ़न दा। ठीक है जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जी, ये याद कर लेना। हुण ये शॉर्टकट सिर्फ इन्ने एक पोर्शन लई चलना। सो मेरा आ गया साइन एक्स इंटू 1 अंडररूट 3 इंटू कॉस एक्स। सो ये की तो वड्डा होएगा, 1 का स्केयर तो अंडररूट 3 का स्केयर रूट, तुहाडे कोल 1 प्लस 3 इहदा रूट, इत्थे आ गया 2 जी, इत्थे आ गया साइन एक्स माइनस अंडररूट 3 कॉस एक्स। सो इत्थे आ गया जी 2, इत्थे नैगेटिव 2, बट थोनू तो प्लस 1 नाल चाहिए, सो नैगेटिव 2 विच प्लस 1 कर दो तुहाडे को। ठीक है जी, तो इहदा मतलब क्या आ गया, ए साइन एक्स हो गया अंडररूट 3 कॉस एक्स हो गया, इत्थे भी प्लस 1 कर दो, इत्थे भी प्लस 1 कर दो, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 तो वड्डी ते 3 तो छोटी। सो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई जी, आ गया तुहाडे फ्रेम दे विच तुहाडे को। ठीक हो गया जी, सो इन्ना कर लो जी, बाकी अगले दे विच आपां करांगे सैट तुहाडे को। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी।